हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल रेडी वनडे भारत इन जस्ट 14 मिनट्स। अच्छा, इंस्पायर बाय जापान बुलेट ट्रेन रेडी। अच्छा जी, रेडी मतलब ये वो वाला रेडी नहीं है कि पूरी तैयार कर देना ट्रेन, नई बनाने का तरीका या उस तरीके पे नहीं है ये, बेसिकली एक और चीज के ऊपर है वीडियो। तो लेट्स को वैसे देखते हैं कि 14 मिनट्स में मतलब वंदे भारत। 14 मिनट में ये ट्रेन को कैसे तैयार करते हैं, वो भी वंदे भारत, इंडिया की सबसे लेटेस्ट ट्रेन, वो भी मेड बाय इंडिया। और बहुत बुलेट नहीं है ये, वंदे भारत बुलेट ट्रेन नहीं है, वो दूसरी ट्रेन है, बट 160 इंस्पायर्ड हाँ बाय बुलेट मतलब ट्रेन, हाँ तो उससे मतलब इंस्पायर होके। हाँ तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वीडियो में क्या है। आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी वंदे भारत में अब बुलेट ट्रेन जैसी सर्विस मिलेगी जापान की तर्ज पे। सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। इस वीडियो में आप देख सकते हो जैसे ही जापान की एक बुलेट ट्रेन आती है, रुकती है, पूरी की पूरी क्लीनिंग की टीम एक वहाँ वेट कर रही है। जैसे ही सारे पैसेंजर्स डिपोर्ट होते हैं, तुरंत ये टीम ट्रेन में घुसती है और पूरी तरह से बुलेट ट्रेन को साफ कर देती है केवल 7 मिनट्स में। इसी तरह की मिराकल को अब वंदे भारत में भी लाया जा रहा है और इसे अच्छा ठीक है। देखो वो लोग क्या करते हैं जापान वाले, पहली बात तो जापान के लोग इतना गंद भी नहीं करते, वो लोग बहुत डिसिप्लिन का ख्याल करते हैं, कहीं थूकते नहीं है, कहीं बॉटल्स नहीं फेंकते, कहीं पे वो कचरा नहीं फेंकते, कहीं पे वो पड़ा हुआ हो तो वो उठा लेते हैं खुद भी, तो वो लोग इस तरह के हैं डिसिप्लिन। इंडिया में देखो हम लोगों के पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह की कंट्रीज में इतनी एजुकेशन नहीं है, तो लोग जो है कहीं ना कहीं थूक देते हैं। इंडिया में पान वगैरह, वो मसाला वगैरह ज़्यादा खाया जाता है, तो कहीं ना कहीं थूक देते हैं या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़। अब वंदे भारत इनकी ऐसी ट्रेन है जो मेड बाय इंडिया और बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेन है, तो उनको साफ भी रखना पड़ेगा अगर फैसिलिटी मतलब अगर हाँ तो मतलब अगर कोई बाहर से या कोई भी कंट्री से आएगा तो वो पहले तो मेड इन इंडिया देखेगा, फिर ज़्यादा गंदी होगी तो वो कहेंगे क्या ऐसी है, तो सर्विसेज ऐसी ज़रूरी हैं। जा रहा है 14 मिनट्स मिराकल। जी हाँ, ये 14 मिनट्स में खत्म करेंगे। हमारी वंदे भारत को करेंटली 3 से 4 घंटे का समय आराम से लगता है पूरी तरह से ये टास्क फिनिश करने के लिए। लेकिन हाल ही में दिए गए एक बयान में अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि हम 1 अक्टूबर से 14 मिनट्स मिराकल वाले कंसेप्ट को लाने वाले हैं वंदे भारत में। इसके लिए तैयारी पहले से ही हमने शुरू करके रखी थी। पिछले मंथ हमने काफी सारे मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट किए थे, हमारे स्टाफ को उस हिसाब से ट्रेनिंग भी किया गया और अब पूरी तरह से हम इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। हम धीरे यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि देखो इनको अभी 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि लोग गंद भी ज्यादा करते हैं और वहाँ पर उनको 7 मिनट इसलिए लगते हैं क्योंकि वो लोग गंद ही नहीं करते, वो जल्दी जल्दी में वो चीजें क्लीन करके इनका स्टाफ देखो क्लीन करके बाहर आ जाता है। और इंडिया में लोग अभी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यूज कर रहे हैं दोनों चीजों का। हाँ, धीरे धीरे करके एक के बाद एक वंदे भारत में इस तरह की सर्विस को लॉन्च करेंगे और करेंटली हमारे यहाँ पे मोर देन 29 वंदे भारत ट्रेन्स दौड़ रही हैं। वैसे इसी साल जनवरी से अश्विनी वैष्णव जी काफी एक बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहते थे हमारी प्रीमियम ट्रेन सर्विसेज की क्लीनलीनेस प्रोसेस में। फाइनली इसके सारे प्रोसीजर्स डेवलप कर लिए गए हैं, वंदे भारत से शुरुआत होगी और काफी सारी प्रीमियम ट्रेन्स में इसी तरह की सर्विसेज जल्द ही प्रोवाइड की जा सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हो अश्विनी वैष्णव जी ने ट्विटर में पोस्ट किया था कैसे एयरप्लेन की तरह यहाँ पर वंदे भारत में भी क्लीनलीनेस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है करेंटली। कुछ तस्वीरें काफी ज्यादा शॉक कर देती है, खास करके ये तस्वीर जो वंदे भारत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची और पैसेंजर्स ने तो मानो पूरा कचरा ही कर दिया अंदर। यार कितनी गलत बात है। देखो यही चीज मैं शुरू में भी बोल रहा था कि अब जापान की ट्रेन का अगर हम देखें ना, वहां से लोग निकलेंगे, ये पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा होता है, तो ये लोग अब देखो कचरा फेंक के किस तरीके से चले गए। और इतनी न्यू ट्रेन और इतनी साफ सुथरी, ये पता है बेसिकली कंट्री के एसेट्स होते हैं, उनको इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। बॉटल्स, पन्नियां, काफी सारा कूड़ा कचरा ऑलमोस्ट हर जगह, बॉटल्स कितनी बड़ी है, तो पैसेंजर्स को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी कि एटलीस्ट हमारी ऐसी ट्रेन को तो वो गंदा ना करे और एक रिस्पेक्ट की भावना डेवलप करनी पड़ेगी जिस तरह से जापानीज में होती है फॉर देयर बुलेट ट्रेन्स। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी
जय वंदे भारत। वैसे तो हर इंडियन को प्राउड होगा कि यार उनकी एक वंदे भारत मेड बाय इंडिया टोटली है, और हर चीज़ मतलब इतनी प्यारी ट्रेन, जो कि 34 ट्रेन्स हो चुकी है इंडिया में, तो आने वाले टाइम में ये 120 ट्रेन्स तो मेरे ख्याल से जापान, वो दूसरा रशिया इनको बना के दे रहा है इंडिया को। तो देखा जाए तो ये चीज़ बहुत मतलब एक एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जिसको इनको ख्याल करना पड़ेगा, इंडियंस खुद को, मतलब लोगों को, जो लोग इस पे ट्रैवल करते हैं उन लोगों को, ताकि गन ना पिलाए मतलब इस जाहिर सी तरीके से। बात है, अगर साफ सुथरी चीज होगी हाँ, तो तो वो ज्यादा देखेंगे। टाइम तक एक अच्छी भी दिखती हाँ, रहेगी, अच्छी लेकिन दिखेगी। इसी तरीके और से अगर गन हाँ डालते रहेंगे तो वो तो जल्दी खराब भी खराब हो हो जाती है, जाएगी। मतलब लुक वाइज भी चीजें चेंज हो जाती हैं। जापान के लोगों का तो बहुत मतलब उनको तो शुरू से सिखाया ही जाता है डिसिप्लिन है, तो हमारे कंट्रीज के नहीं, अंदर हमें हम थोड़ा लोगों को, टाइम लगेगा लेकिन हमारे सीख कंट्रीज के अंदर हम जाएंगे। लोगों को शुरू से बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो पढ़ाई का करना क्या है ये नहीं बताते हैं, लेकिन जापान के अंदर वहाँ से बच्चों को वो डिसिप्लिन सिखाते हैं। खैर, वीडियो अच्छी थी, एक ऐसी वीडियो थी जिससे लोगों को सीखना चाहिए कि जो लोग, गंद क्योंकि नहीं हाँ फैलाना चाहिए, साफ हाँ सुथरा रहना तो चाहिए। खैर वीडियो अच्छी थी। आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर, हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।